हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। सो दोस्तों, राष्ट्र स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा एक और वैकेंसी रिलीज की गई है। यह वैकेंसी 2 अगस्त 2022 को रिलीज की गई है। सो दोस्तों, यह वैकेंसी है जो मध्य प्रदेश के अंदर रिलीज की गई है, ठीक है। इसमें सविता जिला CPHC सलाहकार की रिक्त पद के लिए यह वैकेंसी रिलीज की गई। यह वैकेंसी कि जो अनुबंध होगा वो 1 ईयर का होगा, जो 31 मार्च 2023 तक रहने वाला है। लेकिन आगामी कार्य योजनाओं को नवीन स्वीकृत करने पर इसकी जो डेट बढ़ा दी जाएगी। सो दोस्तों, इसमें कितने पोस्ट है और इसकी सैलरी क्या रहने वाली है, इसके बारे में जानकारी देते हैं आपको, ठीक है। सो दोस्तों, इस वैकेंसी का नाम है संविदा जिला CPHC सलाहकार, ठीक है। जो इसकी कुल पोस्ट रहने वाली है 31 पोस्ट रहने वाली, और इसकी सैलरी 40,000 सैलरी रहने वाली है, ठीक है। सो दोस्तों, इसमें यदि आपकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपको डेंटल में ग्रेजुएशन है, या फिर आयुष विभाग में ग्रेजुएशन, या फिर ग्रेजुएशन एनी विभाग, यानी जैसे कि मास्टर इन हेल्थ मैनेजमेंट है, या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, पब्लिक हेल्थ में होना अनिवार्य है, ठीक। साथ ही दोस्तों, इसकी आयु सीमा की बात की जाए तो 21 से तो 40 वर्ष की आयु सीमा आपके लिए रहने वाली। साथ ही दोस्तों यदि आप महिला है तो आपके लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी की हो, ठीक है। सो दोस्तों, यदि आप आवेदन कहाँ से करें तो आवेदन आप सेम्स की वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। जो आवेदन है 5 अगस्त 2022 से तो 5 सितंबर 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक। इसमें जो ऑनलाइन फॉर्म ही मान्य किए जाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म नहीं मान्य किया जाएगा, ठीक। और इसमें पोस्ट की बात की जाए तो 31 पोस्ट, इसमें अनारक्षित पोस्ट के लिए 9 पोस्ट रहने वाली है, ठीक है, मेल और फीमेल के लिए, ठीक। और जो EWS के लिए 3 पोस्ट है, और ST के लिए 6 पोस्ट रहने वाली, और SC के लिए 5 पोस्ट है, ठीक। और पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पोस्ट है, ठीक है। यदि आप दिव्यांगजन है तो आपके लिए 6% का आरक्षण का, ठीक है, प्रस्ताव दिया गया है, ठीक है। साथ ही दोस्तों, इसमें दिया गया है कि निर्धारित रूप से प्रारूप में नहीं किए अथवा अपूर्ण आवेदन स्वयं निरस्त हो जाएंगे, यानी आपका जो अपूर्ण आवेदन रहेगा वो निरस्त माना जाएगा, ठीक है। अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन में विचार नहीं किया जाएगा, यदि आप समय से पहले फॉर्म फिल नहीं करते हो तो आप निरस्त माने जाओगे। सो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जैसे आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो दोस्तों, जब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।